हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति, पोंगल और पंजाब के मेरे जो दोस्त हैं उनको हैप्पी लोहरी। एंड ये वीडियो जो है क्योंकि अयोध्या मंदिर के उद्घाटन से पहले रिलीज होने वाला है, तो हम सभी लोगों को राम मंदिर के उद्घाटन की ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आप में से जो भी लोग मुझे पिछले साल या उससे पहले से अगर फॉलो करते आ रहे थे तो वो लोग जानते होंगे कि भाई मैंने यूके में जो है 3-4 साल गुजारे और अभी पिछले 2-3 महीने पहले ही मैंने यूके को परमानेंटली छोड़ दिया है। तो एंड मैं अभी इंडिया में ही हूँ, मैं पिछले 3-1 महीने से इंडिया में हूँ, यहीं पर जॉब कर रहा हूँ और यहीं पर अपना सब कुछ गुजर बसर है अपनी अभी। एंड यस, मैं यहाँ से दूसरी कंट्रीज की भी ट्राई में लगा हुआ हूँ, लेकिन इस साल जो है दोस्तों इन्फ्लेशन और रिसेशन या जो भी हम बोले ये सब बहुत अच्छे लेवल पे है। तो अभी इंडिया में भी अगर कोई जॉब मिली हुई है तो उसको पकड़ के बैठना पड़े ऐसी हालत हो गई है, तो बाहर के अपॉर्चुनिटीज तो बहुत मुश्किल हो गई है। खैर, आज के वीडियो में मैं इन सब चीजों के बारे में बात करने नहीं बैठा हूं। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मेरे वो 10 रीजंस जिनके लिए या जिनकी वजह से मैंने यूके को छोड़ा। तो अगर आप में से कोई भी यूके का प्लान कर रहे हैं या अभी से यूके में है तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कुछ चीजें आप अभी या तो फेस कर रहे होंगे या आगे जाके करेंगे, और जो भी मेरे भाई बंधु लोग जो भी यूके जाने वाले हैं हो सकता है कि आपको इनमें से कुछ चीजों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप में से जो कोई भी मुझे नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, भाई मेरा नाम है ईशान मलिक। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, इंट्रोडक्शन में बोला, मैंने यूके में 3-4 साल गुजारे हैं और मैं पिछले कई सालों से रेगुलरली वीडियोस बना रहा हूं एंड मेरे से बनती हर तरह की कोशिश करता हूं लोगों की हेल्प करने की जो भी यूके जाने वाले हैं या किसी भी और कंट्री में जाने वाले होते हैं। इसके अलावा जो मेरी जो है मैं कुछ 1-on-1 कंसल्टिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूं। आप में से जो कोई भी अगर स्टडी अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं या वहां पर किसी भी तरह की वर्क परमिट या किसी भी तरह का जुगाड़ या वो सब चीजों की अगर आप मेरे से कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दी गई है, वहां पर से आप कॉल भी बुक करा सकते हैं। इसके अलावा जिस चीज पे अपना कहेंगे यूएसपी चल रही है, कहेंगे जिस चीज पे अपनी घमंड है कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो अब्रॉड में है और वहां पर आप पे प्लेगरिज्म के केसेस चल रहे हैं या आप पे एकेडमिक मिसकंडक्ट के लिए आपको बुक किया गया है, तो आप उस केस में भी मेरे साथ 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं। मैंने इस सर्विस के थ्रू ओवर 90% स्टूडेंट्स को जो है निर्दोष छुड़ाया है और मुझे अपनी इस एक सर्विस पे तो पूरा घमंड है। तो चलिए दोस्तों, आप ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा शुरू करते हैं अपने वीडियो को। देखो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन जिस पे तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है, इवन मैं पिछले साल कई वीडियोस बना बना के मैं थक गया ये चीज बोलते बोलते, कि यूके में इस वक्त जो है वो इन्फ्लेशन बहुत हाई है, महंगाई चरम सीमा पर है, वहां पर का जो टैक्स सिस्टम भी जो है वो बहुत हाई है। स्पेशली मेरी सैलरी जो थी वहां पर वो तो 1 करोड़ रुपए की थी। तो दोस्तों, मैं तो जो हूँ वो यूके के हाईएस्ट टैक्स स्लैब में आता था वहां के। एंड दोस्तों, मैं लकी था, मैं आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ और मेरा कहें कि एक बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस रहा है इंडिया में भी और दूसरी कंट्रीज में भी, तो मुझे ये सैलरी मिल गई। लेकिन मैं भी जानता हूं कि मुझे ये सैलरी तक पहुंचने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े हैं या कहें कि कितने मेरे को स्ट्रगल या कहें कि कितनी चीजों के थ्रू होके जाना पड़ा है तब जाके ये सैलरी मिली थी। लेकिन अगर हम दूसरे लोगों की बात करें या दूसरे इंडस्ट्रीज दूसरे प्रोफेशंस की बात करें तो दोस्तों सैलरी का हाल बहुत खराब है, सैलरीज बहुत कम होती हैं, टैक्सेस बहुत हाई हैं और उसके सामने महंगाई तो फिर भी बहुत हाई। मैं इतना कमाता था तब भी मेरे हाथ में जो आता था या कहें कि सब कुछ निकालने के बाद जो बचता था वो मैं जानता हूं। एंड इसके मुकाबले मेरे इंडिया में यूके गया उससे पहले भी और अभी वापस आया हूं उसके बाद भी कंपैरेटिवली बहुत कंफर्टेबल लाइफ है। इसलिए दोस्तों, जब मैं कंसल्टिंग भी करता हूं ना तब भी मैं लोगों को साफ बोलता हूं कि भाई अगर आपकी सैलरी इंडिया में 1.5-2 लाख की है तो आपको किसी भी फॉरेन कंट्री में जाने का भूत नहीं चढ़ना चाहिए आपको, अनलेस के आपको सैलरी वो लोग बहुत हाई दे रहे हैं। लेकिन खैर, हर एक के अपने अपने इंडिविजुअल रीजंस होते हैं, हम उस पे नहीं आते, हम सीधा बढ़ते हैं मेरे रीजन नंबर 2 पे। तो रीजन नंबर 2 है दोस्तों यूके का हेल्थ केयर सिस्टम। ये प्रॉब्लम शायद यूके की अकेले की नहीं है, यूके है, कनाडा है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कहीं भी है, इन सब जगहों का हेल्थ केयर सिस्टम एकदम बेकार है। हाँ, अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो ये मान लेता हूं कि भाई वहां पर फैसिलिटीज बहुत सारी हैं, लेकिन उन फैसिलिटीज का फायदा क्या जब हमें अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेंगे या कहेंगे हमें ट्रीटमेंट ही नहीं मिलेगी। इंडिया में अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको ट्रीटमेंट मिल सकती है, ऑफकोर्स इंडिया में ट्रीटमेंट बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन आप बाहर हुए तो आपको ट्रीटमेंट ही नहीं मिलेगी। प्लस अगर आपको छोटी से छोटी कोई चीज हुई तो वो लोग ऐसे ही दवाई दे भी नहीं देते हैं। अब हम इंडियंस हैं, हमको पता है कि भाई हमें अगर सर्दी जुकाम भी हो गया तो बिना दवाई खाए हमें ठीक नहीं होता, या कहें कि हमें हर छोटी बड़ी बात पे दवाई खाने की आदत होती है। लेकिन अगर आप यूके में हैं तो आपको दवाई तो मिलना बहुत दूर की बात होगी, आपको ट्रीटमेंट मिल जाए, आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल जाए तो भी आप अपने आपको बहुत लकी समझना, उसके बाद भी वो दवाई लिख के देगा या कुछ होगा कोई गारंटी नहीं है। प्लस उसके ऊपर जो हम एनएचएस की जो फीस भर रहे हैं, यानी अब तो खैर एनएचएस की फीस भी बहुत बढ़ गई है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों मेरे जो 3-4 साल का जो मेरा जो वहां का एक्सपीरियंस रहा, मेरे एनएचएस की फीस तो पूरी बर्बाद हुई है। मैं 1 या 2 बार मुश्किल से गया हूं अपने डॉक्टर के पास, लेकिन जितनी भी बार गया उन्होंने ना तो मुझे कोई दवाई दी ना कभी कोई मेरा ढंग से ट्रीटमेंट किया। इवन मैंने सेल्फ ट्रीटमेंट करी है वहां से आने के बाद भी, क्योंकि वहां पर वो भी एक नाटक है कि भाई डॉक्टर है वो आपकी मरम पट्टी नहीं करेगा, अगर नर्स अवेलेबल नहीं है या वो जो कंपाउंडर जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं है तो डॉक्टर नहीं करेगा। हाँ, प्राइवेट हेल्थ केयर में जा सकते हैं आप, वहां का अफोर्ड कर सकते हैं,
मस्ट गो होगा। फिर दोस्तों इसके बाद अगर मैं रीजन की बात करूं तो दोस्तों बहुत बड़ी दिक्कत है यूके में, वो है स्पॉन्सर्ड जॉब्स की। मेरे को जब मैं इंडिया से निकला उससे पहले 10 साल का आईटी का एक्सपीरियंस था, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर था प्लस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी मुझे एक्सपीरियंस था, और मैं ये सोच के गया था कि मैं अब अपना मैनेजमेंट का करियर जो है वो यूके में आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन यूके लैंड किया 3-4 महीने में ही मैं समझ गया था कि अगर मुझे यहां पर लंबा टिकना है तो मैनेजमेंट की प्रोफाइल के साथ तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि यूके में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्पॉन्सर्ड जॉब्स का। अगर आपको यूके में लंबा रुकना है, आप वहां पर पीआर चाह रहे हैं, सेटलमेंट चाह रहे हैं, तब तो यूके का स्ट्रक्चर यही है कि भाई आपको यूके में 5 साल स्पॉन्सर्ड जॉब पे रहना पड़ेगा। सिमिलर सा स्ट्रक्चर आपको जर्मनी में भी मिलेगा, नॉर्वे में भी मिलेगा, पोलैंड चले जाए, आयरलैंड चले जाए, कनाडा चले जाए, ऑस्ट्रेलिया चले जाए, यूएस चले जाए, कहीं भी चले जाए, सिमिलर सा ही स्ट्रक्चर आपको हर जगह मिलेगा। बस ये हो सकता है कि लेंथ अलग अलग हो सकती है, कनाडा में हो सकता है कि 3 साल में मिल जाता है, ऑस्ट्रेलिया में 1-2 साल में मिल जाता है, डिपेंड करता है। यूके में 5 साल लगते हैं, 5 साल आपको रहना है उस स्पॉन्सर्ड जॉब्स पे, उस स्पॉन्सर्ड जॉब पे रहना है। अगर किसी भी रीजन से आपकी जॉब चली गई या आपको छोड़नी पड़ गई तो आपको सिर्फ 60 डेज मिलते हैं दूसरी स्पॉन्सर्ड जॉब लेने के लिए ही, और यूके में स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयर्स या कहेंगे स्पॉन्सरशिप देने वाली कंपनियां बहुत कम है, क्योंकि यूके का पहले से कल्चर रहा है कि भाई वो लोग अपने बंदों को पहले जॉब देना प्रेफर करते हैं, जो कि वो लोग पूरे नालायक लोग होते हैं, एंड हमारे जैसे जो बच जाते हैं इनको जुगाड़ के थ्रू ही वहां रहना पड़ता है। डिजर्विंग कैंडिडेट्स को भी कभी कभार पैसा देके वहां पर अपने स्पॉन्सरशिप वीजा को ग्रैब करना पड़ा है, मैंने ये तक केसेस देखे हैं। इसलिए दोस्तों स्पॉन्सर्ड जॉब की इतनी मारामारी है, और अभी तो जिस तरह के वीजा रूल्स चेंज हुए हैं कि भाई अगर आपको स्पॉन्सर्ड जॉब मिलती भी है तो भी आपकी मिनिमम सैलरी कुछ 37,000 होनी चाहिए। अब दोस्तों ये बहुत हाई सैलरी है यूके के लिए, यानी अगर आप आईटी में हैं, डॉक्टर हैं या कुछ हैं तो आपको फिर भी मिल सकती है ये सैलरी, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट में हैं, मार्केटिंग में हैं या हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हैं या ऐसा कुछ है तो हो सकता है आपको ये सैलरी मिले भी नहीं। इसलिए बहुत नीश मार्केट है जिसमें ये सैलरी थ्रेशोल्ड मीट करना पॉसिबल है। लेकिन फॉरगेट अबाउट द सैलरी, पहले आपको वो स्पॉन्सरशिप वाली जॉब तो मिल जाए, वही मिलना बहुत मुश्किल है। फिर अगले रीजन की बात करूं तो इसी पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है, वो है दोस्तों कोई ढंग के वीजा की स्कीम्स नहीं है यूके में। यानी जब तक जो बाइडन थे उधर, जो बाइडन या क्या वो घुंघराले बालों वाला या कहें अटपटे बालों वाला, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ उसका, वो जब तक थे तब तक यूके में जो पॉलिसीज आ रही थी वीजा से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड, बहुत सही आ रही थी। लेकिन जब से ऋषि सुनक आया है ना, तब से वीजा कैटेगरी की मार ठोक दी है इन्होंने, और पिछले 2-3 सालों में कोई ऐसा वीजा स्कीम नहीं आई जिसमें ये लोग ये कोशिश कर रहे हो कि हाँ भाई जो हम टैलेंट है उसको रिकॉग्नाइज करें, या जिन्होंने हमारे यहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटीज से पढ़ाई करी हो हम उनको वीजा दें, या जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं हम उनको कैसे भी करके स्टे करने की या उनको बसाने की कोशिश करें, ऐसा कोई इनके पास वीजा स्कीम है नहीं। और यूके में दिक्कत यह है कि एक तरफ बोलते मैन पावर का प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ हमारे पास कोई वीजा स्कीम ही नहीं है, तो एम्प्लॉयर चाहे तो रख नहीं पाता, हम लोग चाहे तो वहां पर रह नहीं पाते क्योंकि वीजा का कोई सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट का कोई हमारे पे सपोर्ट नहीं है, और सबसे बड़ी दिक्कत है कि इलीगल इमिग्रेंट इतने आ चुके हैं वहां पे कि अब लीगल की जगह नहीं बची। यही चीज आपको डंकी मूवी में भी अच्छे से दिखाई गई है, वीजा स्कीम्स किसी भी कंट्री में बहुत कोई फेवरेबल नहीं है। यूके का मैं खुद रहा हूं तो मैं खुद बोल सकता हूं कि भाई यूके के तो वीजा स्कीम्स बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं होते हैं, अनलेस के हाँ आप किसी और कंट्री की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख कर आए हैं, आपने कहीं और पीएचडी करी है, कुछ और कहीं झंडे गाड़े हैं किसी और देश में अदर देन इंडिया या कहीं एशियन कंट्रीज, तो फिर भी चांसेस है कि यूके वाले आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपने ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या कहेंगे अपनी जितनी भी एशियन कंट्रीज जो है, यहां आपने भले ने कितने भी बड़े झंडे गाड़े हो, इवन अगर आपने यूके में भी कुछ कर दिया है तब भी वो लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते आपको, लेकिन अगर बाहर से कुछ आप करके आए इन कंट्रीज के अलावा तो आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। और पता नहीं क्यों इन लोगों को ये अकल नहीं आती कि भाई किसी ने अगर यूएस में झंडे गाड़े हैं तो वो तुम्हारे यहाँ क्यों आएगा, वैसे भी कोई तुम्हारे यहाँ कोई सैलरीज तो ज्यादा है नहीं, सैलरीज यूएस वाले जितनी अच्छी देते हैं उतनी तुम तो दे नहीं पाते, प्लस वो लोग जिस डेजिग्नेशन या वो लोग जिस पोजीशन पे इंडियंस को हायर करते हैं, तुम्हारे यहाँ देख लो गोरे अपना पार्शियलिटी करते हैं कि भाई गोरा फर्स्ट, उसके बाद ये दूसरे किसी को अगर डिजर्विंग होगा तो भी नहीं रखेंगे। इवन आप ले लो ऋषि सुनक को ले लो, वो कोई इलेक्ट होके थोड़ा पीएम बना है, खैर ये पॉलिटिकल मसले तो वो जाने, लेकिन इसी टॉपिक में मैंने अपना 5वां रीजन भी कवर कर लिया रेसिज्म का या कहेंगे पार्शियलिटी का। देखिए दोस्तों रेसिज्म तो मैंने यूके में कभी फेस नहीं किया, हाँ कई लोगों ने किया हो सकता है, मेरे इवन कई दोस्तों ने जो मेरे रिश्तेदार वगैरह रहते हैं, डेफिनेटली सबने जिंदगी में एक आध बार तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया है, मैंने बहुत हल्के लेवल पे एक आध बार एक्सपीरियंस किया था, लेकिन मुझे आज भी डाउट है कि वो हो सकता है कि मेरे कानों का भ्रम है, मुझे अभी भी मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन हाँ मुझे खाली फील हुआ कि हाँ यहाँ पे हो सकता है शायद रेसिज्म किया गया, लेकिन क्योंकि मैंने डायरेक्टली कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो मैं इसमें नहीं जानता, लेकिन यस कई लोगों ने इस चीज को तो कंफर्म किया है कि उनके साथ रेसिज्म हुआ है।
दूसरा जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं पार्शियलिटी, ये तो आप कदम कदम पे फील करेंगे, इस पे तो मुझे कोई डाउट नहीं है, और ये आप सिर्फ यूके में फील करेंगे ऐसा नहीं है, हर कंट्री में फील करेंगे। और इसका मुझे थोड़ा एक वाजिब भी लगता है कि भाई उन्होंने जो अपनी कंट्री है वो अपने लोगों के लिए बनाई है, हम बाहर से आ रहे हैं तो वो अपना कल्चर, वो अपना तौर तरीके, रहन सहन हमारे लिए नहीं बदलेंगे, हमें ही उनके उनके तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो इस पॉइंट को मैं थोड़ा काइंड ऑफ कहें कि वैलिड मान सकता हूं, लेकिन क्या है कि जैसे मैं जो फेवरेटिज्म जो है कि भाई जैसे मैं नौकरी लेने गया हूं और मेरे साथ एक ब्रिटिश आया होगा तो वो भले मेरे से थोड़ा कम भी होगा तो पहली नौकरी वो उसी को देगा। तो ये जो एक तरह की इस तरह की जो पार्शियलिटी जो आप कदम कदम पे फील करते हैं वो डेफिनेटली ये डिस्करेज करने के लिए काफी होती है, एंड बहुत डिस्करेजमेंट होता है इससे, बहुत मोरल डाउन होता है। एंड अगर इसी पॉइंट को एक्सटेंड करते हुए मैं अगर अपना अगला रीजन आपको मैं बता दूं तो इसी में आता है कि भाई जैसे डंकी मूवी में भी शाहरुख खान बोलता है कि भाई जैसे हम आए हैं तो आपके वो काम करने के लिए आते हैं जो आपके लोग करना नहीं चाह रहे हैं, और हम आपके तौर तरीके सीखते हैं और हम आपके कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, इस चक्कर में हम अपना कल्चर, अपना फूड, अपने कस्टम्स, अपनी चीजों को भूलने लगते हैं, या कहेंगे अपना काइंड ऑफ कहेंगे अपने आप को रंगने लगते हैं दूसरे में। अब अगेन ये भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है, किसी को इन सब चीजों में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, किसी को ये सब अच्छा भी लग सकता है, कोई नया कल्चर एक्सप्लोर करना, नई चीजों को अपनाना वो अच्छी चीज है। इवन ऐसा नहीं है कि सब कुछ उनका है वो बुरा ही है, डेफिनेटली कई चीजें उनकी अच्छी है, कई चीजें उनकी अपनाने जैसी भी है, जैसे कि वो लोग हर चीज में कर्टसी से आपसे बात करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ये सब विशेस करेंगे, हार्डली ही कोई गोरा आपको चिल्लाता मिलेगा, या कहेंगे बहुत पोलाइटली एंड बहुत ही अच्छे से बात करेंगे आपसे, तो ये सब चीजें उनसे सीखने जैसी है। लेकिन इन सब चीजों में होता क्या है कि भाई आपको अपनी चीजें नहीं मिलती, यूके या कनाडा या कहीं और कंट्री में रहना चाह रहे हैं आपको वो फैसिलिटीज तो मिलेगी ही नहीं जो आप अभी इंडिया में भुगत रहे हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ रहता हूँ, मेरे यहाँ काम वाली आती है सुबह, साफ सफाई ने वो सब करके जाती है, वहां था मैं सब कुछ खुद करता था। तो ये एक माने ना माने लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है जो हमें इंडिया में मिलता है, देखें कि पाकिस्तान में भी मिलता होगा, नेपाल में भी मिलता है, एंड बांग्लादेश श्रीलंका में भी मिलता होगा, या फिर अगर हम कहेंगे हम बाहर निकले या हर दो कदम पे चार कदम पे मुझे खाने पीने के फूड स्टॉल्स मिल जाते हैं, जबकि ये पॉसिबिलिटी है कि भाई आपको यूके में इवन कई बार मीलों तक आपको कुछ ना मिले। फिर इसी तरह पे इंडिया में आप मान लो कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई फेस्टिवल्स, त्यौहार, कोई इवेंट वगैरह कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, जैसे मैंने अभी शुरुआत में बात करी कि अभी देखिए अपना अयोध्या का इवेंट होने वाला है, तो वही है कि इस तरह से कुछ ना कुछ रौनक बनी रहती है इन शॉर्ट। तो ये सब चीजें अगर आपको अट्रैक्ट करती है, ये सब चीजें अगर आपको फैसिनेट करती है, तो हो सकता है कि ये सब चीजें आप बहुत मिस करेंगे आप अब्रॉड जब रहेंगे तब। एंड मैं जो पर्सन हूं, मुझे पर्सनली मैंने इंडिया का फूड बहुत मिस किया है। हालांकि ये कंप्लेन आपको हर किसी से मिलेगी कि भाई बाहर गए, इंडिया के बाहर गए, इवन अपन घूमने भी जाते हैं इंडिया के बाहर तब भी हम हमारा ही खाना ढूंढ रहे होते हैं। अब तो आप बसने चले गए हो, तो अगर आप रोज बाहर जाकर इंडियन फूड खाना चाहेंगे पॉसिबल ही नहीं है कि आप रोज खा पाए या अफोर्ड कर पाए। तो दोस्तों ये जो हमारे पास जो इस तरह की जो लक्जरीज जो है वो वहां पर आपको पैसा खर्च करके भी उस लेवल की नहीं मिल पाती है जिस लेवल की हम यहाँ पर उससे बहुत कम दामों में अफोर्ड कर लेते हैं। तो दोस्तों ये एक मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट पर्सनल रीजन था कि भाई मैंने जिस वजह से सोचा कि भाई मुझे यहाँ नहीं रहना है। इसके बाद अगर बात करूं अगला रीजन की तो वो है दोस्तों पुअर सिटी प्लानिंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया इंडिया में हमें हर कहेंगे 500 मीटर 1 किलोमीटर पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, खाने की चीज मिल जाएगी, कुछ लेना करना है, ग्रोसरी वगैरह है, जनरली आमूमन मिल जाता है हमें। लेकिन यूके है या ऐसी कई सिटीज जो है यूके में, कहेंगे छोटे छोटे टाउन्स जो है, वहां पर आपको ऐसा कई बार मीलों तक नहीं मिलेगा। आप चलते जाओगे और अगर वेदर अगर आपके सपोर्ट में नहीं है तो आप चलते जाओ और आप बीमार पड़ के आ जाओ तब भी हो सकता है कि आपको कोई सामान ना मिले या लिमिटेड अवेलेबिलिटी की चीजें मिले, या कहेंगे कहीं कुछ महंगा मिले कहीं कुछ सस्ता मिले। एमआरपी सिस्टम तो यूके में है नहीं, तो जिस दुकान ने जो दाम सोचा वो उस दाम पे आपको लाना पड़ सकता है। तो ये सब चीजें अभी लगता है, लेकिन जब आप वहां रहते हैं तो तब ये सब चीजें बहुत अखरती है। इसके अलावा जो यूके में जो मैंने जो सबसे ज्यादा फील किया कि एक अगर मैं लंदन को छोड़ दूं और मैनचेस्टर कई हद तक छोड़ दूं, तो कोई भी सिटी जो है वो ढंग से प्लान नहीं हुआ है। आपको जॉब्स वगैरह जो है या कहें कि इंडस्ट्रियल एरियाज जो है वो तो चलो समझते हैं कि सिटी के बाहर ही होते हैं, लेकिन जो इवन जॉब्स के भी जो एरिया होते हैं, तो अगर सिटी सेंटर में आपको कहें कि कोई शायद ही कोई व्हाइट कॉलर जॉब मिलेगी, अकाउंटेंट्स वगैरह को तो फिर भी सिटी सेंटर में जॉब मिल सकती है, लेकिन जैसे हम आईटी वाले हैं या कोई दूसरे किसी तरह के दूसरे तरह के इंजीनियर्स होंगे या कोई एमबीए वाले पर्सन होंगे, तो हो सकता है कि आपका ऑफिस जो हो सिटी के काफी बाहर हो, क्योंकि यूके ने अपने कहें कि इंडस्ट्री या उनके बिजनेसेस इसी तरह से उन्होंने कहेंगे प्लान किए हैं कि भाई बिजनेसेस वगैरह जो है, कमर्शियल एरियाज जो है, वो सब सिटी के बाहर रहेंगे, टाउन के बाहर रहेंगे। सिटी सेंटर जो एरिया है वो वही रहेगा, वहां पे सिर्फ जरूरत की चीजें ही हों, जरूरत की ऑफिसेज ही हों और कुछ ना हो। ज्यादा ज्यादा आपको वकील मिल जाएंगे सिटी सेंटर एरियाज में,
लेकिन उसके अलावा शायद ही किसी चीज की ऑफिसेज आपको मिले। बाकी मैंने जितने सिटी में घूमा अपार्ट फ्रॉम लंदन, मैंने किसी सिटी में ये नहीं देखा कि भाई आपका ऑफिस जो है वो सिटी सेंटर में होगा या किसी ऐसी अच्छी जगह पे होगा। आपका सिटी, आपका जो ऑफिस होगी, आपका जो कंपनी होगी, वो होगी ऑफिस या कहेंगे सिटी सेंटर से बहुत दूर, जहां पर आपको हो सकता है कि फूड के ऑप्शन भी बहुत लिमिटेड मिले। अगर आप घर से खाना लेकर नहीं गए तो पूरे चांसेस है कि भाई आपको भूखे रहना पड़े। अगर आपके पास अपनी कार या अपना बाइक या कोई भी ट्रांसपोर्ट का खुद का अगर नहीं है तो आपको खाना खाना जाना भी मुश्किल है, वापस वहां से आना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एंड समर्स में या कहें कि बाकी टाइम में तो फिर भी ठीक है, लेकिन अभी जैसे वहां पे विंटर्स चल रहे हैं तो विंटर्स में तो ये और भी भारी पड़ जाता है। पर्सनली अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मुझे ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगा और मैंने एक्चुअली इस चीज की वजह से सफर भी काफी किया है कि जिस दिन ऑफिस जाना हुआ यानी उस दिन तो भूखे ही रहना है, यही मेरा दिन रहता था उधर पे। इसके बाद अगर मैं रीजन की बात करूं तो ऑफकोर्स दोस्तों इस रीजन को तो कौन ही नकार सकता है, वेदर कंडीशंस। दोस्तों अभी जैसे यूके में कहेंगे अभी अभी बर्फबारी हुई है, कांग्रेचुलेशंस आप में से जो लोग भी पहली बार गए हैं और आप में से पहली बार जिसने बर्फबारी देखी है, आपको पहली बार तो बहुत मजा आया होगा देख के भी, और अभी सब वाइट वाइट देख के आपको अच्छा लग रहा होगा। बस मैं आपको अभी टास्क देता हूँ, आप अपना नॉर्मल जूते पहन के जाइए और जो फुटपाथ है उस पर चल के दिखा दीजिए, यानी बिना फिसले। बहुत मुश्किल है, यानी चल लेंगे ऐसा, मैं कोई ऐसी आपसे वो नहीं कह रहा हूँ कि आप गिरोगे ही या गिरेंगे ही, या मैं आपको गिरवाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन हाँ जितनी बर्फ अच्छी लगती है आफ्टर स्नोफॉल ये सारे इफेक्ट्स बहुत सारे आड़े आते हैं। हाँ देखनी बहुत अच्छी लगती है, जब गिर रही होती है तब भी बहुत खूबसूरत लगता है पूरा यूके, लेकिन हाँ आफ्टर स्नोफॉल बहुत तकलीफ होती है। खैर मैं यहाँ पे स्नोफॉल वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली बात करने वाला था वेदर कंडीशंस की। तो देखिए दोस्तों मुझे पर्सनली ठंड अच्छी लगती है, मुझे ठंडा देश ठंडे प्रदेश मुझे थोड़े अच्छे लगते हैं। हाँ वहां के लोग भी ठंडे हैं वो मुझे डेफिनेटली अच्छे नहीं लगते। सालों में किसी भी चीज के लिए कोई एक्साइटमेंट मैं देखता ही नहीं हूँ, यानी ना मूवी जाते हैं तो वहां कोई एक्साइटमेंट नहीं है। इनका एक फुटबॉल खिला लो, फुटबॉल के लिए इनके बहुत एक्साइटमेंट है, बाकी ना बास्केटबॉल ना क्रिकेट ना कोई भी चीजों के लिए एक्साइटमेंट नहीं है। अरे यार इंग्लैंड 2 वर्ल्ड कप जीत गया बैक टू बैक, साले गोरो में कोई एक्साइटमेंट नहीं, पता भी नहीं था कईयों को। तो मैंने यार अब ये मैंने कहा तुम लोग डिजर्व ही नहीं करते, मैंने कहा यहाँ तो इंडिया हॉकी वर्ल्ड कप जीत जाए या कहें कि खो खो जीत जाए, कबड्डी जीत जाए, कुछ भी जीत जाए, हमको खाली पता चलना चाहिए दूसरे दिन दिवाली मनेगी हमारे यहाँ। खैर मैं फिर इधर उधर भटक गया, वापस आता हूँ वेदर पे। तो जी हाँ दोस्तों वेदर जो है वो डेफिनेटली बहुत ठंडा रहता है यूके का। अब जिनको ठंड से प्रॉब्लम है उनको तो प्रॉब्लम डेफिनेटली होगी वहां की। पर्सनली ये मेरा रीजन नहीं था यूके छोड़ने का या कहेंगे किसी भी तरह का। हाँ सनलाइट का मैं एक बार बोल सकता हूँ कि सनलाइट क्योंकि बहुत कम आती है कहेंगे यूके में, कहेंगे 9 महीने तो सन शायद आप देखने भी तरस जाते हो, तो ये एक चीज मैं फिर भी बोल सकता हूँ कि भाई एक वन ऑफ द रीजन रहा होगा। और विंटर डेफिनेटली बहुत डिप्रेसिंग होते हैं यूके के, बहुत डिप्रेसिंग होते हैं, यानी आपको डेफिनेटली घर वापस आ जाने के तो बहुत थॉट्स आएंगे, यानी ये जो विंटर टाइम होगा उसमें, बाकी के टाइम में आपको बहुत अच्छा लगता है। अभी जब समर आएंगे ना अप्रैल में आपको यूं लगेगा कि यार यूके या ऐसी कंट्रीज से बढ़िया कोई जगह नहीं है, जन्नत लगेगा आपको। इवन रात के 10-10 बजे तक सनलाइट रहती है, बहुत मजा आता है। तो अगर आप समर्स में हैं बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही ना बहुत मजा आता है, इवन घूमना फिरना भी आपका बहुत अच्छा रहता है। एंड हल्की फुल्की बारिश वहां पे चलती रहती है यूके में, चाहे समर्स हो या चाहे विंटर्स हो। कोर समर्स जब होते हैं तब तो बारिश उतनी नहीं होती है, लेकिन हाँ बाकी के सीजन बारिश है, स्नोफॉल है, ठंड है, तेज हवाएं हैं, ये एक कांस्टेंट वेदर है यूके में। तो हर वक्त छाता या रेनकोट कैरी करना कोई बड़ी दिक्कत की बात तो मुझे तो नहीं लगी थी आफ्टर अ सर्टेन टाइम, किसी किसी को अगर लगे तो ठीक है। बाकी मैं आगे बढ़ना चाहूंगा अपने 9th रीजन पे, तो वो था दोस्तों लॉन्ग टाइम डिलेज या कहेंगे वही जो टाइम इश्यूज। जैसे मुझे इंडिया में अपने दोस्तों से बात करनी रहती थी, मुझे अपने फैमिली मेंबर्स से बात करनी होती है। इवन मैंने तो जो शुरुआत में जो जॉब्स भी जो करी वो इंडियन कंपनी के साथ ही करी, क्योंकि मैं जब गया तब यूके में लॉकडाउन लगा हुआ था कोविड का, तो डेफिनेटली मुझे यूके में तो कोई जॉब मिलने से रही थी क्योंकि हम बाहर ही नहीं जा सकते थे। लेकिन कोइंसिडेंट था कि मेरी जो इंडिया की जॉब थी वो चालू थी और सिर्फ मेरे मैनेजर को पता था कि भाई मैं यूके गया हूँ, और उसने कैसे भी करके संभाल लिया और मैंने इंडिया के टाइमलाइन संभाल लिए थे। तो मेरा जो दोस्तों जो दिन है वो सुबह 3:30 बजे शुरू होता था उन दिनों में, फिर उसके बाद मैं लेक्चर भी अटेंड करता था और उसके बाद खाना पीना और अपनी डे टू डे लाइफ एंड फिर प्लस ये यूट्यूब के वीडियोज बनाना एंड ऑल एंड ऑल। तो यस दोस्तों मैंने आज मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि हाँ यार मैंने बहुत मेहनत करी है उधर। अगर ऐसे मुझे कहीं के साथ कुछ मैनेज करना पड़े, कहीं कुछ बातें करनी हो, कभी कुछ इंपॉर्टेंट मेरा काम हो, कुछ मुझे यानी कहीं कुछ ऐसे इमरजेंसी में कुछ हो तो दिक्कतें लगती थी मुझे, बाकी ऐसा कभी ज्यादातर तो कभी कोई प्रॉब्लम आया नहीं। तो अगेन आप में से किसी का अगर कोई ऐसी डिपेंडेंसी रहती है तो ये हो सकता है कि आपको दिक्कत आए इस एक चीज की वजह से। दोस्तों ये जो शुरुआत में लोगों को जो होम सिकनेस और ये सब जो होती है ना,
ये चीजें वहां आड़ी आती है, क्योंकि आपको रात को 12 बजे घर की याद आ रही है। अब इंडिया में उस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं या कहेंगे 5 बज रहे हैं, तो डेफिनेटली वो तो कोई टाइम नहीं है कि आप फोन लगाएंगे। एक आध बार लगा भी लेंगे तो दूसरे तीसरे दिन तो यार घर वाले भी बोल देंगे ना कि भाई हमें तो सोने थे, तू सो जा भाई। तो ये सब होता है। और इसके अलावा अगर आपको कोई काम करने हैं या करवाने हैं या कुछ है, तो आपको अपने टाइमिंग वगैरह मैनेज करने पड़ते हैं। अगेन, ये कोई बड़ी चीज मुझे तो नहीं लगी थी, आप में से किसी को लगे तो बात लगे। एंड आखिरी पॉइंट जो मैं पहले ही कवर कर चुका कि भाई आप यूके में पढ़ाई कर लें या यूके में अगर आप जॉब कर लें या आप यूके में कुछ भी कर लें, यूके गवर्नमेंट जो है या यूके की कोई वीजा स्कीम्स जो है वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं। हाँ, मैं वापस आया हूं तो मैं नहीं कहूंगा कि मेरी यूके की डिग्री को इंडियंस ने या इंडियन कंपनीज ने रिकॉग्नाइज किया है। नहीं, मैं ऐसा आप कुछ नहीं मान रहा हूं। मेरा अपना एक्सपीरियंस ही, क्योंकि वापस आया हूं तो 12 साल के ऊपर का है, ऑलमोस्ट 13 ईयर्स, तो मेरा तो मेरे केस में तो एक्सपीरियंस ही काउंट हो रहा है, या कहेंगे मेरे केस में तो एक्सपीरियंस ही देखा जा रहा है। यूके की डिग्री एडिशनल हो सकती है। अब क्या है कि दोस्तों, मैं अभी कोई ऐसी बड़ी कंपनी में तो काम नहीं कर रहा हूँ, यू नो, अमेजॉन, गूगल, इस तरह की किसी कंपनी में मैं तो काम नहीं कर रहा हूँ, और इस तरह की कंपनीज ने कभी भी मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया है। मैंने रिसेंट में भी अभी एक सर्टिफिकेशन पास किया, पहले भी बहुत सारे मैंने सर्टिफिकेशन पास किए थे, तो मेरे को तो इन सब कंपनीज तब भी नहीं रिकॉग्नाइज करती थी, आज भी नहीं करती। मैं इसलिए, मेरे को अगर आप यूं पूछेंगे कि मुझे अगर यूके की डिग्री का या यूके में कुछ यू नो वहां के क्रेडेंशियल्स का कोई बेनिफिट हुआ है, शायद नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, वो है कि भाई उल्टा मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तक तो मेरा आ जा रहा है कि भाई, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई मेरी यूके में सैलरी 1 करोड़ थी, अब डेफिनेटली मैं यहां पर उतनी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। किसी भी कंपनी की मैंने अभी तक उतनी औकात भी नहीं देखी, मैंने तो अभी तक नहीं देखी। हो सकता है कि मैं गलत जगह पर ट्राई कर रहा हूँ, या हो सकता है कि मुझे सही जगह नहीं पता होगी या सही मेथड नहीं पता होंगे कि भाई मुझे कैसे अप्लाई करना चाहिए, किधर अप्लाई करना चाहिए। और अगर आप में से किसी को आइडिया है तो प्लीज गाइड मी। लेकिन ये बेनिफिट यहाँ नहीं मिला ऐसा नहीं है, मुझे वहां भी नहीं मिल रहे थे। तो दोस्तों, ये तो सबसे बड़ी दिक्कत तब लगती है कि भाई हमने उस कंट्री में पढ़ाई के नाम पे 30-40 लाख रुपए दिए, रैंक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी, मैंने रैंक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी थी, तो मुझे तो बहुत भरम था कि अगर इंडिया में कैसा होता है, जैसे आईआईटी आईएम से आपने पढ़ाई करा और मार्केट में आप निकले तो नहीं जैसे रोड पे नौकरियां बिछी होंगी, आपको बस कदम कदम रखते जाओ, ऐसा टाइप होगा आपके साथ। ऐसा यूके में तो कुछ होता नहीं है, किसी के साथ नहीं होता, मेरे साथ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, किसी के साथ नहीं होता। और मार्केट में जब आप सीवी भी रखते हो तो जो भरम थे कि भाई हाँ यार, एक इंसान को 10 साल का एक्सपीरियंस है, प्लस उसने इस तरह के अपने एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स को अपग्रेड कर दिया, रैंक यूनिवर्सिटी से डिग्री ले ली, प्लस एक वीजा भी उसने, प्लस एक पीएसडब्ल्यू या कोई एक वीजा भी है उसके पास, तो एटलीस्ट उसको ढंग की नौकरी दे दें हम, उसको हम रखें, एटलीस्ट ट्राई करें, और बाद में हम भाई जब वीजा की बारी आएगी तो कुछ हेल्प कर दें। नहीं, ऐसा कुछ यूके में तो मैंने तो होता, मेरे साथ तो नहीं देखा, कईयों के साथ मैं देख रहा हूँ नहीं हुआ है ऐसा। कई मेरे दोस्त बहुत टाइम से पहले ही चले गए थे इस चीज पे, मुझे वीडियो अभी भी बनाना, मेरा पेंडिंग पड़ा है कि भाई मुझे बनाना है कि भाई मेरे 5-6 दोस्त जो हैं, मैं सबसे आखिर में वापस आया हूँ यूके में, वो लोग तो बहुत पहले ही चले गए थे। तो खैर, लेकिन ये जितने भी मैंने यहाँ पे जो 10 पॉइंट्स गिनाए हैं, मैं अपने दोस्तों के पॉइंट्स आपको बताऊंगा, इन 10 के बहुत बाहर नहीं निकलेंगे ये सारे भी जो मैंने आपको अभी पॉइंट्स बताए। दोस्तों, यही वो सारे 10 रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने सोचा कि भाई मुझे यूके में नहीं रहना है। ऑफकोर्स इसमें से कुछ रीजंस बहुत स्टूपिड लग सकते हैं, लेकिन मोर ओवर आपको इन्हीं 10 रीजंस के आसपास सभी के रीजन मिलेंगे, चाहे वो कोई यूके से वापस आ गया है, किसी ने कनाडा छोड़ा है, यूएस छोड़ा है, दुबई छोड़ा है, जर्मनी छोड़ा है, या कोई भी कंट्री छोड़ दी हो, इन्हीं 10 रीजंस के आजू बाजू में से कुछ मिलेंगे, और यकीन मानिएगा आपको इनके कॉम्बिनेशन में ही कुछ मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आप में से कोई भी अगर फॉरेन कंट्री का प्लान बना रहा है तो आप अपने आप को पहले चेक कर लीजिएगा कि आप में से इनमें से कौन से रीजन है जो आपको सबसे ज्यादा आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि ये चीज तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं पाऊंगा, तो आपको बहुत सोच समझ के अपना डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डेफिनेटली दोस्तों, यूके हो या कोई भी कंट्री हो, बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आपके लिए भी हैं, मेरे लिए भी हैं, सबके लिए हैं। और अगर आप सही स्ट्रेटेजी और सही माइंडसेट से अगर आप वहां पे जाएंगे, अपने आप को उनके क्रेडेंशियल्स, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग अपने आप को काबिल बनाएंगे, तो डेफिनेटली आप वहां पर पीआर मिले ना मिले, आप सेटल हो पाए या ना हो पाए, आप पैसा बहुत बना सकते हैं वहां पर। एटलीस्ट मैं अगर आपको 1-on-1 कंसल्टिंग अगर आप मेरे साथ बुक करेंगे तो मैं इसकी तो आपको हमेशा से गारंटी दे सकता हूं कि भाई आप वहां पे मैक्सिमम पैसा कैसे बना सकते हैं, इसके लिए तो मैं आपको हमेशा से बेटर गाइड कर सकता हूं। हाँ, क्योंकि मैं खुद कोई पीआर प्रोसेस तक मैं नहीं पहुंच पाया, मैंने वीजा स्पॉन्सरशिप ले भी ली थी पर मैं कभी आगे तक नहीं बढ़ा, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आया, तो इसलिए मैं उस चीज पे ज्यादा आपको शायद हो सकता है गाइड ना कर पाऊं। स्पॉन्सरशिप लेनी कैसे है उसका भी एक बार आपको बता सकता हूँ, लेकिन उस पर टिक पाओगे कि नहीं, वो मेरा तो पर्सनली ऐसा नेचर था नहीं, ना आज है ना कल, हो सकता है शायद,
तो इसलिए हो सकता है कि उस चीज के लिए आई मे बी नॉट द राइट पर्सन, लेकिन बाकी कोई भी चीज है यू कैन बुक अ कॉल विथ मी एनी टाइम। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो लोग भी यूके को प्लान कर रहे हैं या किसी भी अब्रॉड डेस्टिनेशन को प्लान कर रहे हैं फॉर स्टडी या वर्क परमिट और एनीथिंग। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर नॉलेजेबल कंटेंट लाइक दिस। एंड लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।